दर्जी ने वीडियो भेज दी, लेट्स हैव अ लुक। देवी और सजनों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने। एक बार मेरी बबली से शादी हो जाए, उसके बाद जो मैं करूंगा वो ना बबली ने ना उसकी बहन ने कभी सपने में सोचा होगा। ओ डे यू प्रीति, तुम औरत नहीं हो, औरत के नाम पे धब्बा हो धब्बा। आई कांट बिलीव दिस, इतना कैसे कह सकती हो तुम? बहुत हो गया तुम्हारा, अभी के अभी दिलजीत को कॉल और उसे कहो कि बबली को लेकर वापस आ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजीव और परी को चिंता हो रही है बबली की, क्योंकि यहाँ पर बबली गायब हो गई और दिलजीत भी नहीं है। अब भाई दिलजीत तो किडनैप करके उसको वेयर हाउस में ले जाता है, यहाँ पर नीति को पता है, क्योंकि नीति तो भाई यही सारी चीजें कराना चाहती थी ना। लेकिन नीति ना ये चाहती थी कि शादी हो सामने और यहाँ पर पार्वती सच बोल दे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बार बार मुझे परी बुलाने से मैं परी बन जाऊंगी? नहीं, तुम वो परी को खिलौना समझती थी, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना पार्वती से घाया से, और मैं क्या कर सकती हूँ? दैट आई शो यू। कहाँ जा रही है? बात हम दोनों के बीच गया तो पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रही है? नीति तो कुछ और ही चाहती थी, नीति को लगता था कि भाई पार्वती सच बोल दे, यहाँ पर दिलजीत से उसकी शादी होगी बबली की, तो वो सच सच बता देगी। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। यहाँ भाई बबली मना कर देती है कि मुझे शादी नहीं करनी, और गुस्से में ना जो दिलजीत होता है वो उसको वेयर हाउस ले जाता है। ठीक है, बुला ले उन्हें, यहाँ आने में या बबली तक पहुँचने में टाइम तो लगेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पुलिस को इन्फॉर्म करेगी और मैं दिलजीत को ये ऑर्डर दे दूंगी कि बबली को किसी पास वाले रेलवे ट्रैक पर फेंक दे। प्रीति, कि तुम बबली को ना, सॉरी सॉरी, से रुक, किसी तरीके से दिलजीत को शादी करनी है बबली से, और नीति ये इस बात का फायदा उठा लेती है। अब नीति उसको फोन करके बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम शादी तो कर लो, लेकिन यहाँ पर वीडियो बना के ना हमें भेज देना, क्योंकि यही वीडियो हमारा हुक्म का इक्का है और इसी से हम पार्वती का पर्दाफाश करेंगे। और यहाँ पर भाई बबली और दिलजीत की शादी की तैयारियां चल रही है वेयर हाउस में। पहले तो परी को ये लग रहा था कि भाई बबली सेफ है, बबली ने मना कर दिया है, यहाँ पर शादी रुक गई। लेकिन जैसी नीति से बातचीत होती है ना, उसकी तो पता लगता है कि बबली ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, बबली तो गायब है, बबली है ही नहीं, दिलजीत भी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि बबली ने उसको बोला हो कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहती और यहाँ पर दिलजीत उसको भगा के ले गया और किडनैप करके ले गया। यहाँ पर परी के दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं और उसी को बचाने के चक्कर में यहाँ भाई एक्सपोज हो जाएगी, मतलब खुद का सच बता देगी और वो नीति को बोल देगी कि भाई ठीक है मैं तुम्हें सारा सच बता रही हूँ, लेकिन तुम उससे पहले ना बबली को छुड़ाओ, बबली का पता बताओ। और वही हम देख रहे हैं कि परी भाई सारा सच बता रही है कि मैं पार्वती नहीं हूँ, मैं परी हूँ। लेकिन यहाँ पर वो ये सच भी बता देती है कि तुमने किस तरीके से मुझे पहाड़ों के ऊपर से धक्का दिया था, क्यों दिया था, वो अब यहाँ पर उससे सवाल कर रही है। और वही राजीव को भी वो बोलती है कि राजीव तुम भी बहुत धोखेबाज हो, तुम भी इन सारे लोगों के साथ मिले हुए थे। और यहाँ पर राजीव तो भाई एकदम शॉक है, राजीव को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, यहाँ पर ये परी है, और अगर ये परी है तो एक साल से क्यों गायब थी, और मैं तो उसको कोई भी धोखा नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर भाई परी मानने को तैयार नहीं है, यहाँ पर यही सारी चीजें चल रही है। वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई दिलजीत शादी के लिए तैयारी कर रहा है यहाँ पर, और नीति जो है वो वेट कर रही है वीडियो का, और उसे लग रहा है कि वीडियो आ जाएगा तो भाई मैं यहाँ पर और ज्यादा पूछने वाली हूँ परी से। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट और आने वाला है कि ताई जी ने दिलजीत और नीति की बात सुन ली थी कि यहाँ पर बबली को शादी नहीं करनी है, और जबरदस्ती भाई दिलजीत जो है ना उसको वेयर हाउस ले जा रहा है। तो यहाँ पर ताई जी अब परी और राजीव को बता देंगे कि भाई वेयर हाउस में गई हुई है बबली, और फाइनली राजीव और परी पहुंच जाएंगे बबली को बचाने के लिए वेयर हाउस। तो देखते हैं यहाँ पर किसकी जान को खतरा होता है, क्योंकि दिलजीत के हाथ में गन वगैरह है, तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर परी और राजीव के ऊपर वो गन चला दे, वो तो भाई आने वाले एपिसोड में ही देखने वाले हैं। लेकिन आप मुझे बताइए आपको परिणीति का एपिसोड कैसा लग रहा है।